नमस्कार साथियों, ये आज का न्यूज़पेपर है। खबर है कि 21 मिलियन यानी कि लगभग 2 करोड़ लोगों के नौकरी इसलिए पिछले कुछ महीनों में ख़त्म हो चुका है, और ये हाल जो है संगठित क्षेत्र का है। इससे बहुत बुरा, बहुत बदतर हाल हमारे असंगठित क्षेत्र का है, उसमें भी करोड़ों करोड़ों लोगों के नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं, पेशा ख़त्म हो चुका है। हो सकता है आज़ाद भारत में इतना बड़ा आर्थिक और मानवीय संकट अब तक हमने देखा ना हो। करोड़ों लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है, करोड़ों परिवारों के सामने, माता पिताओं के सामने एक सवाल है कि कल का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, भविष्य का क्या होगा। और ये बेरोज़गारी का मार जो है सिर्फ पेट पे नहीं पड़ता, एक पूरे पीढ़ी को नष्ट कर देगा। ये एक पूरी पीढ़ी, एक पूरे पीढ़ी के सपनों को ख़त्म कर सकता है ये बेरोज़गारी का। ऐसे गंभीर परिस्थिति में राजनीति करना उचित नहीं है। ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय जिम्मेदारी का है, ये समय ठोस कदमों को उठाने का है, ताकि हम देश के गरीब और देश के नौजवानों के सपनों को हम बरकरार बना सकें। इसलिए हम इस सरकार को 3 सुझाव बड़ा विनम्रतापूर्वक और देश के हित को ध्यान में रखते हुए हम 3 सुझाव देना चाह रहे हैं। एक, कि हम जो न्याय की बात कर रहे थे, पैसे सीधे गरीबों के खाते में पहुंचाने की बात कर रहे थे, उसको आप प्लीज़ हमारे अपने अहंकार को छोड़कर, अपने राजनीति को छोड़कर हमारी बात माने और उसको लागू करें, सीधे गरीबों को पैसा देना चालू करें। दूसरा, जब बाकी सारे क्षेत्रों में से नौकरियां ख़त्म हो रहे हैं, एकमात्र आशा की किरण नौजवानों के सामने आज के दिन में PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में है। आप प्लीज़ उनका निजीकरण बंद कर दें, और जो लाखों वैकेंसीज़ हमारे सरकारी कंपनियों में हैं उनको आप भर दें, ताकि इस अंधेरे में एक आशा की किरण के रूप से वो लोगों को नौकरियां दे पाए। और तीसरा हमारा विनम्र निवेदन है कि अभी तो अपने चंग बड़े उद्योगपति दोस्तों से, मित्रों से आप ध्यान हटाकर इस देश के जो छोटे और लघु उद्योग हैं, जहाँ नौकरियां, जहाँ रोज़गार का उत्पन्न होता है, और जो आज भयंकर संकट में है, जिनका कमर टूटा पड़ा है, आप उनकी मदद करें। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, देश आशा और उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रही है। इस संकट के दौर में देश के गरीब, देश के नौजवान को आप निराश ना करें। जय हिंद, जय भारत।